हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास नाइन्थ चैप्टर पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर जा रहे हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो पहला बनाई सी, तुसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के देख सकते हो, वीडियो का लिंक है, तो उसको पता लग जाएगा पॉलीनोमियल की बेसिक इंट्रोडक्शन की है। तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर जा रहे हैं। सब तो पहला फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट दे विच कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रैशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरीएबल। आपां इह दसना किहड़ा किहड़ा पॉलीनोमियल है किहड़ा नहीं है, तो उस तों बाद आपां वेरीएबल भी दसने हैं किन्ने वेरीएबल दे विच है, मतलब वन वेरीएबल, टू वेरीएबल या थ्री वेरीएबल। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। सब तो पहला आपां चैक करांगे पॉलीनोमियल है या नहीं। पॉलीनोमियल की कंडीशन की सी, जो एक्स की पावर है वो की होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए है। ठीक है, हम देखो इतने पावर कितनी है 2, इतने पावर कितनी है 1। इतने आप पावर की कह सकते हैं 0 कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वापस की रह जाएगा अपने को 7 रह जाएगा। पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो आप लिखांगे यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल। ठीक है, हुण आप दसने किन्ने वेरीएबल है, किन्ने वेरीएबल मीनस किन्ने इंग्लिश वाले लैटर है। एक टाइप का इंग्लिश वाला लैटर है, ठीक है, एक ही टाइप का इंग्लिश वाला लैटर है एक्स, तो आप लिखांगे यस पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल इन वन वेरीएबल। किन्ने वेरीएबल अपने को, वन वेरीएबल है, कि वेरीएबल है एक्स। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2, y² प्लस √2, ये चीज़ अपने को आप पावर किन्नी देखनी है इंग्लिश वाले लैटर की। पावर की है पॉजिटिव है 2 है। ठीक है, तो आप लिखांगे यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल। किन्ने वेरीएबल है 1 वेरीएबल, इतने इंग्लिश वाला एक ही लैटर है, कि अपने को वाई। ठीक है, तो कि अपने को 1 वेरीएबल। नैक्सट 3√t प्लस √2। हुण इत्थे एक गल देखो, अपने को टी की पावर रूट का मतलब की होंगे 1/2। ठीक है, इतने पावर किन्नी है 1। हुण एक की पावर तो 1 है, ये तो चल गया, पर ए वाला नहीं चलेगा, 1/2 है, 1/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो आप लिखांगे नो इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल। ये अपने को पॉलीनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आ जो पावर है वो अपने को की पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। उस तो बाद नैक्सट y प्लस 2 बाय y। हुण जे देखो आपां नूं देखिए तो किवें लिख सकते हैं y प्लस 2 y की पावर किन्नी होगी -1। देखो थले पावर पॉजिटिव है, उपर जाके पावर की होगी नैगेटिव, ये की है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो यह भी अपने को पॉलीनोमियल नहीं है। पहले दो पॉलीनोमियल है, उस तो अगले दो पॉलीनोमियल नहीं है। उस तो बाद नैक्सट x^10 प्लस y^3 प्लस t^ किन्नी है 50। देखो 10 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 50 पॉजिटिव इंटीजर है, तो यह कि आप लिखांगे यस पॉलीनोमियल है, पर वेरिएबल किन्ने आ, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, एक की आ गया टी, तो आप लिखांगे यस इट इज़ पॉलीनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो अपने को आंसर आ गया पॉलीनोमियल है किन्ने वेरिएबल है 3, क्योंकि 3 टाइप के इंग्लिश वाले लैटर है 1, 2, 3। ठीक है, इतने ओनली सिंगल टाइप का सी 1 वेरीएबल, इतने सिंगल टाइप 1 वेरीएबल, इतने 3 टाइप के तक ही आ गया अपने को 3 वेरीएबल आ गया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशियंट ऑफ x², राइट द कोफिशियंट ऑफ x² पहला आप सारे क्वेश्चन लिखांगे 2 + x² + x, 2 - x² + x, π/2 × x² + x, उस तो बाद की आ गया √2x - 1। आप दसना x² का कोफिशियंट की है, x² का कोफिशियंट का मतलब उन्हें मल्टीप्लाइज की पिया। देखो इतने कुछ भी नहीं है तो कि आ गया 1 आ गया। ठीक है, x² के नाल कुछ भी नहीं है तो कि आ गया 1, तो आप लिखांगे कोफिशियंट ऑफ x² x² का कोफिशियंट कि आ गया 1, x² के नाल मल्टीप्लाइज की पिया 1, सो दैट इज़ द कोफिशियंट। इतने फिर कुछ नहीं है तो कि आएगा 1 आएगा, पर रिमैंबर वन थिंग, इतने प्लस है तो +1 आ गया, इतने माइनस है तो की आ जाएगा -1 आ गया। ठीक है, इतने साइन आप देखना अगे, इतने साइन पॉजिटिव है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, पर इतने नैगेटिव है तो आप लिखांगे -1। ठीक है, सो कोफिशियंट ऑफ x² इज इक्वल टू -1। उस तो बाद x² के अगे की है π/2, आप कोफिशियंट कि दसना x² का, x² के अगे की है π/2, तो इनका कोफिशियंट कि आ गया π/2।
टू, मतलब एक्स स्केयर के मल्टीप्लाई कि नंबर पे पाई बाय टू, सो दैट इज़ द कोफिशियंट। इतने देखो एक्स स्केयर है ही नहीं है, एक्स स्केयर है ही नहीं है, जोड़ा नंबर ही है नहीं, तो उनका कोफिशियंट कि होएगा जीरो। किमें लिख सकते हैं आप इस तरह लिख सकते हैं जीरो एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर के नाल कितना आ गया जीरो। जे नहीं भी लिखते तो भी तुम आंसर की लिख सकते हो जीरो, जोड़ा नंबर ही नहीं है, जोड़ा कि अपने को एक्स स्केयर है ही नहीं है, तो उनका कोफिशियंट भी कि होएगा जीरो होएगा। ठीक है, नैक्सट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के आप दसना है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हुण आपां बायनोमियल दी एक एग्जाम्पल देनी है, एक ही है मोनोमियल दी देनी है। सब तो पहला बायनोमियल, बायनोमियल च की हुंदे है दो टर्म हुंदी है, मैं कोई भी दो टर्म लिखिया एक्स प्लस एक्स लिखिया, ठीक है, पर डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो किसी एक दे उपर की लिख लो 35। एग्जाम्पलां बहुत सारिया बन सकदियां, जरूरी नहीं है आंसर लिखना है, कुछ भी लिखो, ठीक है, पर मैनू ये चंगा लग्या तो मैं ही लिखता, पर एक जगह एक दे उपर आपां की लगावांगे 35 लगावांगे, ठीक है, क्योंकि पहला दो टर्म हो गई, उस तो बाद डिग्री देखनी है, डिग्री कितनी अपने को 35, डिग्री हुंदी की है हाईएस्ट पावर। नैक्सट एग्जाम्पल किंदी देनी है मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल मीनस सिंगल टर्म, सिंगल टर्म की लिखी एक्स, पर डिग्री कितनी क्या होने 100, तो इनकी पावर कितनी लिखांगे आप 100 लिखांगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, दो एग्जाम्पल लिखने हैं, कोई भी लिख दो। ओके, तो पहली लिखी एक्स पावर 35 प्लस एक्स, सैकेंड मोनोमियल की एग्जाम्पल की आ गई एक्स की पावर 100। सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म वाला की होंगे मोनोमियल, दो टर्म है, दो टर्म वाला की होंगे बायनोमियल। नैक्सट आप दसनी है डिग्री, दसनी है हरेक की, नैक्सट आप दसना डिग्री, आप सारे क्वेश्चन पहले लिखांगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, उस तो बाद 4 - y² 5t - √7 तो लास्ट किन्ना 3। आप सारे की डिग्री दसनी है, डिग्री की होंगी है हाईएस्ट पावर, हम देखो इतने हाईएस्ट पावर कितनी है 3, सो डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री कितनी आ गई अपने को 3 आ गई। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इतने 3 है, इतने 2 है, इतने कितना 1, हाईएस्ट कितना 3, तो डिग्री कितनी आ गई अपने को 3 आ गई। ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 3। हुण इतने देखो, इतने तो कुछ भी नहीं है, इतने कितनी है 2, सो डिग्री इज इक्वल टू 2, इनकी डिग्री अपने को कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, सो डिग्री इज इक्वल टू 2, इतने टी की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, जो 1 है सो डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। इतने कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट के नाल मैं की लिख लिया एक्स की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, पावर 0 है तो डिग्री कितनी आ गई अपने को, डिग्री इज इक्वल टू 0 आ गई। ओके, क्योंकि कुछ भी नहीं है, 3 रेज टू पावर ये कितना वापस बन जाएगा 3 बन जाएगा ना। ठीक है, 3 × x रेज टू पावर 0 है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो डिग्री कितनी आ गई अपने को 0 आ गई। लास्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट के अपने को है आप दसना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, किड़ा क्यूबिक है। लीनियर डिग्री 1 वाला, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, तो क्यूबिक डिग्री 3। हाँ जी, मैं फस्ट क्वेश्चन है x² प्लस एक्स, तो देखो x² है तो डिग्री कितनी है, पहला आप डिग्री लिखांगे, डिग्री कितनी आ गई 2, जेकर डिग्री 2 है तो कि अपने को क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री वाला की होंगे क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल। ओके, नैक्सट अपने को x - x³, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, सो डिग्री इज इक्वल टू 3, 3 डिग्री वाला क्यूबिक पोलीनोमियल। ठीक है, 3 वाला केड़ा हो गया क्यूबिक पोलीनोमियल। उस तो बाद नैक्सट आप फोर्थ कर रहे हैं 1 + x, हुण x की पावर कितनी है 1 है, 1 वाला की होंगे अपने को डिग्री इज इक्वल टू 1, सो दैट इज़ अ लीनियर। इन्दे नाल दे बाकी जिन्हें भी है तुसी खुद कर सकते हो, बस ध्यान की रखना है डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो की आ जाएगा क्यूबिक आ जाएगा। जो बाकी रह गए तुसी खुद करके कमेंट बॉक्स के विच रिप्लाई जरूर कर सकते हो कि तुहाडा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। नैक्सट वीडियो के एक्सरसाइज 2.2 करांगे पोलीनोमियल चैप्टर।